सो गाइस आज का दिन जो है हम जा रहे हैं सीसू की तरफ। अगर सीसू लेक अलाउ करते हैं, अटल टनल ओपन है जो कोई जानना चाहते हैं तो। इस टाइम पे अटल टनल ओपन है, यहाँ से 24 किलोमीटर का रास्ता है। ले का रास्ता यहाँ से ओपन नहीं है, ले तो आप फ्लाइट से ही जा सकते हो या फिर श्रीनगर की साइड से। आई एम नॉट श्योर श्रीनगर की साइड ओपन है कि नहीं, बट फ्लाइट ओपन है। सो हमें पहुँचने में टाइम लगेगा। ऑब्वियसली लास्ट टाइम गाड़ी यहीं स्लिप करी थी, अभी यहाँ नहीं, आज से ऊपर स्लिप करी थी जब मैंने यू टर्न मार के नीचे ही खड़ी कर दी थी क्योंकि बहुत बर्फ थी। देखते हैं सीसू में कितनी बर्फ है, गाड़ी जा पाती है कि नहीं। लेट्स जस्ट स्ट्रोल इनटू द व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग न्यू। सो गाइस मैं क्रॉस कर चुकी हूँ इस वक्त सोलांग वैली, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने एक्टिविटीज कर दी थी। यहाँ लास्ट टाइम तो आने की जगह ही नहीं थी, यहाँ पे इसी रोड पे कम से कम 4-4 फीट बर्फ थी और अटल टनल पे कम से कम 8 फीट बर्फ थी। तो मैं जब आज अटल टनल क्रॉस करूंगी आई एम गोना मेक अ रील। माय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी यहाँ से ला रही हूँ। और अगर आप लोग इस तरफ आ चुके हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्टली लोग यहाँ आ चुके होंगे, क्योंकि मेरा तो ये वाला फर्स्ट टाइम है। मैं स्पीति से आई हूँ हमेशा। सो ये गाड़ी पहुंच गए फाइनली अटल टनल पे। सो गाइस पुलिस वाले रुक के बोलते हैं कि रुकना मत अटल टनल जब तक क्रॉस ना जाए। ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ी नहीं पहली पहली एंटर हुई है। देखना जस्ट अभी लाइट चली है, आई डोंट नो कैमरा ने कैप्चर किया होगा कि नहीं, बट फाइनली यहाँ पे आई एम सो हैप्पी। मतलब मेरे कभी लाइफ में सोचा नहीं था मैं यहाँ आऊंगी वापस, क्योंकि मुझे ले वापस जाने का भी कोई प्लान नहीं था। बट किस्मत से अटल टनल खुलने मिल गई तो फाइनली सीसू का रास्ता। अभी तक तो पुलिस वाले ने रोका नहीं, बट ये आगे रोकेंगे आई एम प्रीटी श्योर। चेकिंग होगी, चेकिंग के बगैर वो आपको भेजते नहीं है। मेरा हेडलाइट ऑन है, किसी बताता नहीं है, तो मुझे याद थी। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी इसलिए इनको रोका गया। तो यहाँ से अगर आप जाओ डांट पड़वाते, इसने वो पुलिस वाले से डांट पड़वाते, कैमरा नहीं पकड़ता कभी कभी, पकड़ाता ही नहीं कोई। 15 किलोमीटर है जहाँ हम जा रहे हैं, हम एक तरफ जा रहे हैं, वैसे रोड पे 4 किलोमीटर तो आगे का नजारा दिखा सकते हो। आगे का नजारा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आगे बर्फ है प्रॉपर और रास्ता देखो कितना प्यारा है। इस वक्त ऐसा जज्बा की तरफ कोई 4x4 या व्हीकल्स नहीं जा रहे, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है जो मैं जज्बा की तरफ लेके गई हूँ। प्लस अगर आपको जज्बा की तरफ जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी लोकल ट्रांसपोर्टेशन से बात कर सकते हैं। कोस्टिंग जो होगी वो 1000 से डिपेंड करता है कहाँ तक जाती है, क्योंकि एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी अटल टनल क्रॉस करके सीसू की तरफ। चिक्कड़ होता चिक्कड़ बताओ भाई क्या होता है, चिक्कड़ होता है कीचड़ होता है, हरियाणा वालों सारे बताओ चिक्कड़ होता है कीचड़ होता है। सो गाइस प्लान तो सिर्फ सीसू का था, बट रोड्स इतनी सही थी, जिस्पा आ गई मैं घूमते घूमते। ये जिस्पा है, और अगर आपको इस नदी का नाम पता है तो मुझे बताओ, नहीं पता तो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता ही दूंगी। और आज ये जिस्पा है, जिस्पा में आधी प्रॉपर्टी सभी बंद है। मैं लास्ट टाइम रिक जिस पर रुकी थी वो भी बंद है इस वक्त। पता है ये जगह जन्नत है यार, रुको ये रही मैं, तो ये जगह जन्नत है, इससे भी सुंदर जगह है ऑब्वियसली, बट ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ से कहाँ जाएगी, उधर ही चलते हैं। आपके गाड़ी यार ये पानी इतना चीज हो गया ना, ऑब्वियसली एक पानी बहुत चिल्ड होगा। आई गेस नदी किनारे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है।
सो गाइस अगर आप नीचे आते हो तो आप ये नजारा एंजॉय कर सकते हो एंड यू नो द वाटर इज वेरी क्लीन एंड क्लियर बिकॉज ये ग्लेशियर से पिघल रहा है जितना मैं देख रही हूँ वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है सो इट्स ऑसम टू कम डाउन बट इस में आना है कुछ ऐसी जगह से ही पड़ेगा जैसे हम लोग आए हैं एंड कुछ ऐसी जगह से एंड पता है ये यहाँ पे ये आई गेस घर है तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं इसको क्रॉस करने के लिए अभी ऊपर चल के सैंडविच खाते हैं और फिर वापस चलते हैं क्योंकि हमें टाइम से पहले वापस पहुँचना है घड़ी में तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रोशनी बहुत तेज है टाइम से पहले वापस पहुँचना है तो राकेश ने बर्फ ले ली है और मैं जा रही हूँ यहाँ से बच गई मैं गाड़ी खड़ी है वो तो अब जाएंगे वापस सीसू की तरफ सीसू लेक में यार बहुत भीड़ है यार पता है गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं देखते हैं मतलब डिपेंड्स हाय गाइस हाय कर दो यहीं से हो आप लोकल हो ठीक है आज रोड पर ही अभी तो लोग नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे नहीं चलो सी या थैंक यू तो मैं आ गई हूँ इस वक्त ये लेक के ऊपर अपन हाँ सीसू लेक पर तो यहाँ पे पूरी बर्फ जमी हुई है इस वक्त एंड यू वॉन्ट बिलीव मोमोज वाले बैठे हुए हैं मतलब मैगी लेके भी बैठे हुए हैं और अगर आप शूज़ किराए पे लेते हो या चश्मा वगैरह लेते हो तो 100 रुपये पड़ेगा आपको यहाँ पे एंट्री चार्जेस है सीसू में 200 रुपये ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना अबाउट 100 किलोमीटर था जिसपा मनाली से तो यहाँ से सीसू से थोड़ा कम है ऑब्वियसली अब मैं जा रही हूँ मोमो खाने की बहुत भूख लगी बहुत देर से कुछ खाया नहीं है बिटवीन मतलब सैंडविच के बाद से वो भी एक सैंडविच ये झूठ बोल रही है ये काफी देर से बहुत कुछ खा करके बैठी है क्या खाया मैंने ठीक है क्या खाया मैंने तो दादो देखो मसद ना ये देखो इसकी हरकतें तो ये है राकेश बराबर ये लड़का तुम्हारे बिस्किट का पैकेट छीन लेगा नहीं दे दो काले जी एक बिस्किट तो खिला दे भाई सो गाइस ये है आपकी बाद रिवर एंड यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जो कि जिप लाइन आइस स्केटिंग या स्कीइंग कहना चाहिए और उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ है जो कि अभी बंद हैं क्योंकि बर्फ अब कम हो रही है बट एक्टिविटीज़ का मजा सच बताऊँ तो सिर्फ ठंड में है जब बहुत ठंड होती है लाइक जनवरी फरवरी मार्च तो मैं नहीं बोलूँगी फेब तक मज़ा है बट अभी आइस कम हो जाती है और इसके अलावा अगर आप सीसू लेक देखना चाहेंगे तो बिल्कुल इसकी बैक साइड पर है हेलो तो सीसू लेक कुछ सामने की तरफ है उस तरफ जो कि पूरी जमी हुई है एंड अगर वहाँ तक जाओ तो बहुत चलना पड़ जाएगा यार क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ पे जगह ही नहीं है जाने की इस टाइम पे बट यहाँ पे एक्टिविटीज़ ओपन है एंजॉय करने के लिए और आप मैगी भी खा सकते हो तो वैसे एग्जैक्टली वहाँ पर लेक है ये लेक है और इस वक्त जाना बहुत डेंजरस है क्योंकि धस गई तो कोई बचाने वाला नहीं एग्जैक्टली वेल आज के लिए बस इतना ही बट आपने अगर कल का व्लॉग नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस करा क्योंकि कल मनाली में आप कहाँ स्टे और वर्क कर सकते हैं उस पर के बारे में अगर आपने देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग गाइज़